चलिए भाव, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये गाना किस प्रकार का गाना है और इस गाने के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं पहला तो सुशील भानुशाली जी है, सुरेश भानुशाली, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि एक भाऊ गणेश जी के ऊपर मुझे गाना करना है, तो आप करेंगे क्या? और मैं कैसा है कि गणपति बप्पा का बहुत बड़ा भक्त है मैं, तो ऐसे ये मेरे को, मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये गणपति बप्पा का गाना मिला, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी उनको कि मैं करूँगा पक्का। और ये फोटोफिट जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, फोटोफिट कंपनी से मतलब नहीं, मेरे को मतलब है सुरेश भानुशाली से, वो बहुत अच्छे इंसान है, अगर वो अच्छे इंसान है तो उनकी कंपनी भी अच्छी होगी ना जी। ऐसा है, तो बस मेरे को अच्छा लगा, उन्होंने जैसा मेरे को ये गाना सुनाया तो मुझे इतना पसंद आया, तो मैं बोला मैं पक्का करूँगा, क्योंकि मेरे खुद का अभी 10 साल पूरा हो रहा है मेरे गणपति बापा का, तो आप लोग भी सब लोग आइए, 10 साल पूरा हो रहा है, तो मैं आप सबको इनविटेशन देता हूँ कि आप आइए। ओके भाव, कितना एंजॉय किया आपने इस गाने को, और खास करके गणपति अभी कुछ दिन ही बचा हुआ है? हाँ, पहला तो क्या है मालूम है, बेचारे सब कोरियोग्राफर और ये सब ज़्यादा मेहनत मेरे पे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को डांस नहीं आता है करने, तो उन लोग मेहनत कर रहे, तो जितना हो सके मेरा मैं कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह का ये सॉन्ग है, क्या मैसेज दिया जा रहा है सॉन्ग के माध्यम से? कि एक ही बापा, गणपति बापा अगर आपके साथ में है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अगर आपको पूरे वक्त में, अच्छे वक्त में साथ दे रहा है, तो फिर आप लोगों का परवाह मत करो कि क्या होगा और क्या कोई क्या करेगा, ऐसा है। एक दुखद खबर है, टीवी इंडस्ट्रीज का एक नया उभरता हुआ स्टार। हाँ, तो उसको किस तरह से आप याद करते? पहला तो सिद्धार्थ शुक्ला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगा, वो एक दोस्त ने अपना भाई जैसा था, कुछ ऐसे वक्त उसके साथ गुजारे बिग बॉस के अंदर और बाहर भी आने के बाद, कुछ ऐसे वक्त गुजारे जो जिंदगी भर ना भूल नहीं पाएंगे, तो उसके आत्मा को शांति मिले, बस यही बोलना चाहूँगा, और क्या बोलूँ, क्योंकि आज ये मेरे बापा के गाने के लिए मैं जा नहीं पाया, और कल मैं वहाँ पे ही था, हॉस्पिटल में ही था, उनके घर पे भी था, तो बस उनके परिवार को ऊपर वाला ये करे। उसकी मम्मी से कुछ बात हो पाई तो कुछ किस तरह बात है, किस तरह आपने बातचीत किया है, तो मीडिया की तरफ कुछ? हाँ, मैंने उनके माँ से बात किया कल जाके घर पे, तो मैंने पूछा कि ये अचानक में ऐसा कैसा हो गया, तो वो बोले कि वो सब ठीक है, खाना बिना खा के सो गया था, 3:30 बजे उसने मुझे बोला कि माँ मुझे ठंडा पानी चाहिए, मुझे बेचैनी सी हो रही है, तो उन्होंने उनको पानी दिया, फिर बोले कि आइसक्रीम भी खाया उसने और सो गए। सुबह 10 बजे वो अलार्म लगा के रखता था जिम जाने के लिए, तो सुबह अलार्म बजने के बावजूद भी वो नहीं उठा, तो उनके माँ ने जाके देखा, तो जो भी हुआ गलत हुआ। भाव, ये चलते चलते एक आखिरी सवाल, कि आपके बहुत बड़े फैन है तादाद में और ये गणपति का गाना आ रहा है, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे देखने के लिए? बस इतना ही है कि कोशिश कर रहा हूँ, तो गणपति बापा मोरिया, आप जैसा मुझे शुरुआत से इतना प्यार दिया, वैसे ही मेरे गाने को भी प्यार देना, गणपति बापा मोरिया। थैंक यू, लुक मेरे को बहुत पसंद आया, ये धोती शर्ट रुद्राक्ष की माला, और मैं महाकाल का भक्त हूँ, तो जय श्री महाकाल, अच्छा लगा ये सब, तो बहुत मजा आ रहा है मेरे को। अपने हाथों पर भी राम नाम कुछ गुदवा रखा है? नहीं, ये महामृत्युंजय है और ये त्रिशूल है, यहाँ पे मेरे बाबा साईं बाबा, उनका भी भक्त हूँ मैं, और यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के
दैवत हमारे छत्रपति महाराज जी है। आज माझी गणपती बाप्पाची गाण्याची शूटिंग आहे, त्यासाठी मी आलो आहे। तर एवढीच सर्वांना हे आहे, रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही जेवढं होऊ शकल तेवढं मला हे करा, जसं आतापर्यंत सपोर्ट केला तसं पुढे पण करा। बस कशा प्रकारचं सॉन्ग आहे, सॉन्ग मध्ये काय? गणपती बाप्पाचं सॉन्ग आहे, आणि गणपती बाप्पाचं जर सॉन्ग आहे तर त्याच्यात असंच असेल की गणपती बाप्पा या कुठला पण देव आपल्याला आशीर्वाद देतो, ज्यांनी बनवलाय तोच आपल्याला बिघाडतो पण आणि चांगला पण करतो, तर त्याच्यावर भरोसा ठेवायचा, सर्व टिकवेल। लोकांनी काय बोलणार सॉन्ग बघायचं? तेच ना, की आतापर्यंत जेवढं तुम्ही मला सपोर्ट केला तसं हा गाणं बघा आणि आवडेल तर सपोर्ट करा। तुमची लाईफ मध्ये गणपती बाप्पाची किती महत्त्व? अरे गणपती बाप्पा म्हणजे आता मी बोलतोय ना की माझा 10 वर्ष पूर्ण होत आहे, माझा 9 साचा गणपती आहे जो 10 वर्ष आता पूर्ण होतोय, आणि मी थाटामध्ये त्याला एकदम आणणार आणि खूप मोठं करणार। तर तुम्ही पण सर्वांनी या, माझं 10 वर्ष पूर्ण होतोय तर नक्की या तुम्ही सर्वांनी। मैं सीधा चला जाएगा अभी, अगर तुम लोग आपस में ना और कंट्रोवर्सी के बावजूद भी वो नहीं उठा तो उनके माँ ने जाके देखा तो जो भी हुआ गलत। भाऊ ये चलते चलते एक आखिरी सवाल कि आपके बहुत बड़े फैन हैं तादाद में और ये गणपति का गाना आ रहा है, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे देखने के लिए? बस इतना ही है कि कोशिश कर रहो तो गणपति बाप्पा मोरिया, आप जैसा मुझे शुरुआत से इतना प्यार दिया वैसे ही मेरे गाने को भी प्यार देना, गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं अभी पहला तो ये लुक है ना, लुक मेरे को बहुत पसंद आया, ये धोती शर्ट रुद्राक्ष की माला, और मैं महाकाल का भक्त हूँ तो जय श्री महाकाल अच्छा लगा ये सब, तो बहुत मजा आ रहा है मेरे को। अपने हाथों पर भी राम नाम कुछ गुरुद्वारा रखा है? नहीं, ये महामृत्युंजय है और ये त्रिशूल है, यहाँ पे मेरे बाबा साईं बाबा उनका भी भक्त हूँ मैं, और यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के दैवत हमारे छत्रपति महाराज जी है। आज माझी गणपती बाप्पाची गाण्याची शूटिंग आहे, त्यासाठी मी आलो आहे। तर एवढीच सर्वांना हे आहे, रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही जेवढं होऊ शकल तेवढं मला हे करा, जसं आतापर्यंत सपोर्ट केला तसं पुढे पण करा। बस कशा प्रकारचं सॉन्ग आहे, सॉन्ग मध्ये काय? गणपती बाप्पाचं सॉन्ग आहे, आणि गणपती बाप्पाचं जर सॉन्ग आहे तर त्याच्यात असंच असेल की गणपती बाप्पा या कुठला पण देव आपल्याला आशीर्वाद देतो, ज्यांनी बनवलाय तोच आपल्याला बिघाडतो पण आणि चांगला पण करतो, तर त्याच्यावर भरोसा ठेवायचा, सर्व टिकवेल। सॉन्ग मेसेज काय? तेच ना, की आतापर्यंत जेवढं तुम्ही मला सपोर्ट केला तसं हा गाणं बघा आणि आवडेल तर सपोर्ट करा। तुमची लाईफ मध्ये गणपती बाप्पाची किती महत्त्व? अरे गणपती बाप्पा म्हणजे आता मी बोलतोय ना की माझा 10 वर्ष पूर्ण होत आहे, माझा 9 साचा गणपती आहे जो 10 वर्ष आता पूर्ण होतोय, आणि मी थाटामध्ये त्याला एकदम आणणार आणि खूप मोठं करणार, तर तुम्ही पण सर्वांनी या, माझा 10 वर्ष पूर्ण होतोय तर नक्की या तुम्ही सर्वांनी। मैं सीधा चला जाएगा अभी, अगर तुम लोग आपस में ना और कॉन्ट्रो